वेलकम टू माई चैनल हेल्दी टमी फॉर यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ रबड़ी टार्ट्स। ये बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट है, आप इसको किसी भी फेवरेट ओकेजन में बना सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही इजी है। मैंने मेरी रेसिपी में रबड़ी बनाना और टार्ट्स बनाना दोनों दिखाए हैं, आप मेरी रेसिपी पूरी देखिएगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेंगे रबड़ी टार्ट्स। सबसे पहले मैं इंस्टेंट केसर रबड़ी बनाऊंगी। उसके लिए हम एक पैन में 1 लीटर दूध लेंगे, उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और उसको मीडियम हीट पे थोड़ी देर तक पकने देंगे। फिर इसको हम एक नॉन स्टिक पैन में निकाल लेंगे। अगर आप बहुत अच्छा हैवी बॉटम पैन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसको पका सकते हैं, क्योंकि नहीं तो ये दूध जो होता है वो बॉटम पर लग जाता है। अब मैंने 5 ब्रेड पीसेस लिए हैं जिनकी मैंने साइड्स को कट कर दिया है। मैंने नट्स लिए हैं, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं ब्रेड पीसेस को मिक्सर में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। अब ये ब्रेड क्रम्स भी बिल्कुल रेडी हैं। अब इस दूध में हम 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून ऑफ केसर मिल्क डालेंगे। मैंने केसर को पहले ही 2 टेबलस्पून मिल्क में इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था ताकि अच्छे से घुल जाए। केसर से रबड़ी में बहुत अच्छा फ्लेवर और कलर दोनों आते हैं। अब इसके अंदर हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑलरेडी हमारी रबड़ी गाढ़ी हो रही है। अब इसके अंदर हम नट्स डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1/4 कप शुगर डालेंगे। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है रबड़ी में। अब देखिए इसको अब हम थोड़ी देर कुक होने देंगे और जितना भी हमारे साइड में रबड़ी चिपक गई है उसको अच्छे से स्पैचुला से स्क्रैप करके उसमें मिला देंगे। अब देखिए बिल्कुल हमारी दानेदार रबड़ी बिल्कुल तैयार है। इसको हम लच्छेदार केसर रबड़ी बोलते हैं और ये बिल्कुल इंस्टेंट रबड़ी है जो कि बिल्कुल झटपट रेडी होती है। अब इस रबड़ी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। और इसके ऊपर नट्स डाल देंगे। फिर इसको एक क्लिंग फिल्म से रैप करके इसको चिल होने के लिए हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। चलिए अब जल्दी से हम टार्ट्स बनाते हैं। टार्ट्स बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में हम सीव रखेंगे, उसमें 1 कप मैदा डालेंगे, 1/4 कप आइसिंग शुगर, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से छान लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अब इसके अंदर 1/2 कप चिल्ड बटर डालेंगे और उसको अच्छे से हाथों से हम मैदा के अंदर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करेंगे जब तक इसमें हमारा लड्डू ना बन जाए। देखिए अब ये हाथों में अच्छे से लड्डू बन रहा है तो हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है डो बनाने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा पानी डालकर टाइट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं बनाना है, डो ऐसा होना चाहिए जो रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट हो बस। अब हमारा टार्ट का डो बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम क्लिंग फिल्म से रैप करके 10 से 15 मिनट्स के लिए इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब इस डो को हम 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। अब 1/2 को लेके हम इसे रोलिंग पिन से रोल करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चपाती रोल करते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस हमारी चपाती की थिकनेस से थोड़ी मोटी होगी। मैं अब राउंड कटर यूज़ कर रही हूँ जिसकी हेल्प से मैं राउंड टार्ट्स कट करूँगी। अगर आपके पास राउंड कटर नहीं है तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इन टार्ट्स को मैं
फॉर्क से प्रिक कर दूंगी। ऐसे ही सारे टार्ट्स को हम सारे टार्ट्स के बेस को हम अच्छे से फॉर्क से प्रिक कर देंगे। अब मैं एक मफिन कप यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मोल्ड है टार्ट्स के तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस मफिन कप को उल्टा रख के हाथों की हेल्प से हम इस टार्ट बेस को इसके ऊपर सेट कर देंगे अच्छे से, और इसी तरीके से हम सारे टार्ट्स को मफिन कप्स पे लगा लेंगे और इन टार्ट्स को हम एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे। अब हमें इन्हें प्री हीटेड अवन में 375 डिग्री फ़ारेनहाइट और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट तक बेक करना है। अब हमारे टार्ट्स बिल्कुल बेक हो गए हैं, इनको हम अलग कर देंगे मफिन कप से ट्रे के अंदर। देखिए बिल्कुल हमारे टार्ट्स बनके रेडी हो गए हैं। हम सिमिलर तरीके से बचे हुए डो से सारे टार्ट्स तैयार कर लेंगे। अब हमारी रबड़ी भी बिल्कुल चिल हो चुकी है। चलिए अब हम इन टार्ट्स को अपनी चिल रबड़ी से फिल करते हैं। अब देखिए ये डेज़र्ट लग रहा है ना बिल्कुल माउथ वाटरिंग, ये बहुत ही डिलीशियस डेज़र्ट है। तो आप इस डेज़र्ट को होली पर बनाइए, दिवाली पे बनाइए और कभी भी बनाइए। तो दोस्तों रबड़ी टार्ट्स बनके बिल्कुल तैयार हैं, इनको ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और खिलाइएगा। मेरी अगली रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।